दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक का। यह महिला, दलित महिला, कैमूर की महिला रेणु देवी डिप्टी सीएम के यहाँ आती है न्याय मांगने के लिए, लेकिन वहाँ घूस के साथ साथ इज्जत प्रतिष्ठा भी लेने की बात शुरू हो गई और रूम में छिटकिनी लगाकर बंद कर लिया गया। अब इस शिक्षिका दलित महिला का आरोप आप सुने कि रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है, उस डिप्टी सीएम के गार्ड और पीए का जो कारनामा है वो आप स्पष्ट सुन लें। सुशासन बाबू का राज में कुशासन क्या है? सर, मेरा नाम कुमारी रंजन लता है। हम कैमूर जिला से आए हुए हैं सर। मैं सर अभी प्लस टू में गवर्नमेंट टीचर हूँ, उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा मोहनिया प्रखंड जिला कैमूर में। मैं अभी विज्ञान शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ सर। सर, पहली बात की आरोप ये नहीं है सर, ये आरोप नहीं है। मेरे पास वीडियो है, आज मेरे पास सबूत नहीं रहता तो आप लोग भी विश्वास नहीं कर सकते। ये मुझे ये डिप्टी सीएम के आवास का वीडियो है और इतना घृणित कार्य हो जा रहा है। मैं इस उम्मीद के साथ गई थी सर, मैं ये भूल गई थी कि हमारा ये सरकार अंधी बहरी गूंगी सरकार है और मुझे एक महिला न्याय देगी। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे भूखे भेड़िए की तरह वहाँ पे एक रैकेट चलता है कि काम का प्रलोभन देकर एक दलित महिला, चाहे किसी भी महिला को, कि आप पैसा दीजिए 1.5 लाख दूरा, आपका वेतन का भुगतान होगा और आपको मंत्री विधायक के पास भेजा जाएगा, तब आपका काम होगा सर। इस तरह कर हम वहाँ न्याय के लिए जाते हैं और हमको गेस्ट रूम में सिटकिनी लगाकर बंद करके मेरे साथ अश्लील हरकत करता है सर। और ये मोबाइल कैमरा, ये वहाँ का उनका पर्सनल पीए है, संजय कुमार सिंह उसका नाम है सर। और सबसे बड़ी बात सर कि वो मेरे मोबाइल पे बीए भेजा है, ब्लू फिल्म भेजा है, असलील है, वीडियो है सर, उसके नंबर से जांच की बात बैठती है। आप जांच कराइए, दूध का पानी खुद हो जाएगा। मगर मेरे मोबाइल पे असलील मैसेज भेजा है कि अपना सेक्सी फिल्म भेजिए। इसके बाद उसका ऑडियो मेरे पास है सर, जिसमें खुद कह रहा है कि हाँ, हमने आपके साथ ऐसा ऐसा घटना किया है। और सबसे बड़ी बात मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि 35-15 करोड़ जनता के डिप्टी सीएम एक महिला है, झूठी। और मतलब मैं कार उनको बोलूं सर, शर्म आ रही है कि एक दल, मैं उनसे मिली हूं सर, मिल के यह आवेदन दी हूं, इतनी झूठी महिला है सर, कह रही कि इस महिला को मैं नहीं जानती हूं, ना मेरा ये गार्ड है, ना मेरा आवास है। तो सर आप खुद जांच आप लोग कर लीजिए, दूध का पानी हो जाएगा। ये इतना बड़ा कोई कैसे झूठ बोल सकता है सर कि आज मैं ये आरजेडी कार्यालय के पास हुआ, कोई कहेगा कि हम यहाँ है ही नहीं, तो हाउ इट इज पॉसिबल सर। तो इतना बड़ा घटना को, और 3 दिन से हमको कई तरह का धमकियां मिल रहा है। आज मैं विशेषावकाश का छुट्टी लेकर मैं आई हूँ। धमकी है हमारा हेडमास्टर के तरफ से आ रही है, इसके बाद 2-3 अननोन कॉल से भी आया है कि आपको पता नहीं है कि आप किसके खिलाफ जा रही हैं केस करने। मैं ऑलरेडी आवेदन महिला थाना में दी हूँ सर, गर्दनी बाग मैं दी हूँ कि मुख्यमंत्री भी हमको कह रहे हैं सर मुख्यमंत्री कि तुम जैसी दलित महिलाओं का काम है, आरोप झूठा लगाती हो। बताइए सर, हम झूठा आरोप लगा, मैं एक शिक्षिका हूँ सर, मेरा 35,000 सैलरी है सर, और मैं झूठा आरोप लगाऊंगी सर। सर अभी तक इस मामले में मैं हर जगह गई हूँ सर, प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय लेवल तक, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, मैं ह्यूमन राइट तक मैं गई हूँ। कोई ऐसा मुख्यमंत्री हमारे ये बिहार के हैं सर, कहते हुए शर्म नहीं लगता है कि मैं सी PhD 5 विषय से एम ए की हूँ। मैं मगध यूनिवर्सिटी के 6वां टॉप पर रह चुकी हूँ। विज्ञान शिक्षिका का अवार्ड मुझे नवल किशोर DM दिए है सर। और मेरा ये हाल है सर, देखिए एक दलित महिला न्याय के लिए भटक, अपने वेतन के लिए भटक रहे, शर्म नहीं आती है। मैं अगर गलत हूँ तो क्यों नहीं मुझे सस्पेंड बर्खास्त कर दिया जाता है सर। सर पीए कह रहा है कि 1.5 लाख रुपया दीजिए, मैडम को घूस दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। यानी हमको सैलरी वेतन का भुगतान कराने के लिए हमको घूस देना पड़ेगा सर? ये मेरा मेहनत का कमाई है, मेरी चोरी का कमाई नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ाई हूँ सर, मुझे उसका वेतन चाहिए, ना कि मुझे भीख चाहिए और मुझे घूस मांगा जा रहा है सर।